बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ढेर सारे ईसीएम देखे हो के जो जैसे कि 1755, 1753, 1763, 1761, इनको आपने देखा होगा और किस गाड़ी में लगते हैं ये भी आप जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ईसीएम के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल इन जैसा ही है, 1755, 1763 जैसा, और ये आपकी निगाह से गुज़रा भी होगा कई बार, लेकिन आपको ये नहीं मालूम शायद, या आपको नहीं मालूम हो कि इस ईसीएम को क्या कहते हैं, इस ईसीएम का क्या नाम है। तो ये ईसीएम है 1772 17C72। और इस ईसीएम का जो यूज़ किया जाता है वो होंडा की गाड़ी आती है, होंडा सिटी में यूज़ किया जाता है, सिर्फ उसी में ही किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ये इसके अलावा किसी होंडा के किसी दूसरे मॉडल में यूज़ किया जाता हो, तो इसका यूज़ सिर्फ होंडा सिटी में किया जाता है। दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये 1755 1763 के ख़ानदान का हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसके अंदर बहुत कुछ अलग है, 100% अलग है, बहुत अलग है। अगर आप इसे के टैग वगैरह से राइट करना चाहें, रीड करना चाहें, तो वहाँ इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। KTM बेंच वगैरह में जाएं तो वहाँ पर भी आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगी। तो मैं आपको रूबरू करा दूँ कि इसके अंदर कौन सा CPU होता है, कौन सी पावर IC होती है, कौन सी सिस्टम IC होती है, इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बात और ध्यान रखें कि जो होंडा की गाड़ियाँ होती हैं उनका पार्ट नंबर 378 से स्टार्ट होता, 37 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग गाड़ियों के पार्ट नंबर होते हैं ECM के, तो होंडा गाड़ी में 37 से स्टार्ट होता। अगर आपके सामने कोई इस तरह का या दूसरा ECM आता है और वहाँ पर बिल्कुल ये शुरू में लिखा हुआ है 37, तो आप समझ लीजिए उसका संबंध होंडा गाड़ी से है। तो फिलहाल ये ECM जो है 1772 और इसका जो यूज़ किया गया है वो होंडा सिटी में किया गया है, इसको मैं खोलता हूँ और इसके अंदर के कुछ कंपोनेंट्स आपको रूबरू कराता हूँ। ये इसका बोर्ड रहा, 94 पिंस का होता है ये, जैसे कि 1763, 1755 और टाटा के बोर्ड आते हैं उन जैसे ही इसकी पिंस होती हैं। दिखने में भी यही होता है, इसका जो कनेक्टर है वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, अगर इसकी कोई पिंस वगैरह जल जाती है इंटरनल तो उसका भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, किसका, 1755 1763 वाला, अगर ये जल जाता है तब, ठीक है। ये IC है, ये वाली, ये सिस्टम IC 40211 पावर IC, ये पावर IC रही 40154, और ये इसका CPU रहा TC1782F। तो ये CPU रहा इसका, बिल्कुल इसका CPU डिफरेंट है, जिस तरह के CPU आते हैं इसके अंदर बिल्कुल ही अलग CPU यूज़ में लाया गया है। इसका नंबर होता है 1782। अच्छा, ये जो CPU है 1782 वाला, ये बहुत कम ECM के अंदर यूज़ किया गया है। ज़्यादातर CPU आते हैं 1767, 1767, 1766, 1724, 1742, इस तरह के ECM 1797
ठीक है, ये 1782 सीपीयू बहुत कम यूज़ में लाया गया है दूसरे ईसीएम के अंदर, या बॉश के दूसरे ईसीएम के अंदर। यही वजह है कि टैग वगैरह के अंदर इसको रीड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। केटीएम बेंच में भी बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, लेकिन के टैग में 100% नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल डिफरेंट सीपीयू है। इस सीपीयू के बहुत कम ईसीएम मिलेंगे, इसकी यही रीज़न है। खैर, ये आपकी रहती इंजेक्टर आईसी हो गई, और आपकी इंजेक्टर आईसी का जो नंबर है 900685, ये इंजेक्टर आईसी रही। हमारा क्लासेस से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट हो गए हैं और ये 20 तक रहेंगे। जिस भाई को एडमिशन लेना है वो 20 से पहले पहले एडमिशन ले लें। और क्लासेस जो हैं वो हमारी रात को ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी भाई एडमिशन लेते हैं तो ये शर्त रहती है कि वो या तो वर्कशॉप से रिलेटेड हो, वायरिंग का, स्कैनिंग का, सेंसर का, ये सारी जानकारी रखते हों, तभी हमें फ़ोन करें। अगर कोई बंदा फ्रेशर है, बीटेक वाले हैं, या न्यू बंदा है बिल्कुल ही, तो हम उनका एडमिशन नहीं लेंगे। उनको सलाह है कि पहले वो वायरिंग का, ये स्कैनिंग कैसे चलाया जाता है, स्कैनर वगैरह ये सब सीखें, उसके बाद हमसे संपर्क करें, अभी नहीं। राइट, उम्मीद है ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और आपको वीडियो देखना है तो आप बराह करम हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इस तरह का वीडियो बनाने का जो तसलसल है वो बरकरार रहे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। जल्द हम किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।